ये कौन सी खत्म कर, प्रतिस्थापन क्रियाएं, प्रतिस्थापन सबसे पहली कौन सी कराई, इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं, दूसरी कौन सी कराई, वो पुलर प्रतिस्थापन क्रियाएं। अब तीसरी शुरू करते हैं अपन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं। ठीक है, ध्यान से सुनना, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इन अभिक्रियाओं में किसी अणु परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाएगा, नाभिक स्नेही के द्वारा कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही में कर रहा था इलेक्ट्रॉन स्नेही, मुक्त मूलक में कौन कर रहा था मुक्त मूलक, और नाभिक स्नेही में कौन करेगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। योगात्मक में इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर जुड़ रहा था, मुक्त मूलक योगात्मक में मुक्त मूलक आकर जुड़ रहा था, और नाभिक स्नेही योगात्मक में नाभिक स्नेही आकर जुड़ रहा था। तो ध्यान से सुनना, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी अणु परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन किसी नाभिक स्नेही के द्वारा कर दिया जाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, सपोज दैट C2H5Cl ले लिया मैंने और इसकी अभिक्रिया कराई मैंने। बेटा देखो, KOH दो प्रकार के होते हैं, एक तो जलीय KOH और एक एल्कोहलिक KOH। तो हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना, आज सिखा रहा हूँ, जलीय KOH प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा जबकि एल्कोहलिक KOH विलोपन अभिक्रिया देगा। ध्यान ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, जलीय KOH तो कौन सी देगा, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और तुम्हारा एल्कोहलिक KOH कौन सी देगा, विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाएं भी हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो जलीय KOH क्या करेगा, यहां से Cl को प्रतिस्थापन कर देगा और Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH, C2H5OH बन गया इस तरीके से। अर्थात देखो, अभिक्रिया हुई है, ये अभिक्रिया क्रियाविधि भी होगी, अपन बात कर रहे हैं। अब BSc में आके क्या है कि मैक्सिमम रिएक्शंस की मैकेनिज्म है, ठीक है ना, तकरीबन 12th क्लास में तो डायरेक्ट रिएक्शन होती थी, ज्यादातरों की अभिक्रिया क्रियाविधि नहीं होती थी, लेकिन BSc में आके आपको बहुत सारी अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पढ़नी पड़ती है, ठीक है, और उसमें भी सेकेंड ईयर में आपको क्रियाविधि क्रियाविधि में सिखाया जाता है कि अभिक्रिया किस प्रकार से हुई है। तो आप समझ रहे हो, जब ये अभिक्रिया हुई है तो इस अभिक्रिया का भी कोई ना कोई करने का तरीका होगा। तो इस अभिक्रिया का तरीका क्या है, ये अभिक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है, एक तो कौन सी बेटा याद रखनी है आपको, SN1, और दूसरी कौन सी, SN2। SN1 का मतलब है, वन इंग्लिश में बताता हूँ, पहले कभी इंग्लिश में लिखा है फिर दूसरी बार बताता हूँ हिंदी में। वन का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर और टू का मतलब है बाई मोलिक्यूलर, एन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और एस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। एक का अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और दूसरी द्वे अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये रहे अंतर्गत SN1 और SN2। एक का अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है SN1 और द्वे अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है SN2। वे अभिक्रिया है जिनमें वेग निर्धारक पद में या धीमे पद में केवल एक ही अणु भाग लेता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, एक का अणुक नाभिक स्नेही प्रति, अपन को फोकस इस पर करना है, स्लो स्टेप। कार बनानी सिखाई थी और कार बनाने सिखाते टाइम मैंने आपसे क्या कहा था, आपका जो फोकस होगा वो केवल और केवल कौन से स्टेप पे होगा, स्लो स्टेप पे, धीमे पद पे होगा, धीमा पद ही सब चीजों का निर्धारण करेगा। तो पहली कौन सी बताइए, एक का अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो एक का अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में वेग निर्धारक पद में या धीमे पद में कितने अणु भाग लेंगे, एक अणु, जबकि SN2 में वेग निर्धारक पद में कितने अणु भाग लेंगे, दो अणु भाग लेंगे। तो देखो साहब नहीं है, ध्यान से देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ SN1 अभिक्रिया है, कौन सी पढ़ा रहा हूँ, SN1 अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रियाओं में क्या होता है, देखो CH3 CH2 Cl, कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की, कार्बन और क्लोरीन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, क्लोरीन की, तो इस स्थिति में बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाएंगे, क्लोरीन पर, कौन सा स्टेप है, और स्लो स्टेप ही क्या होता है, RDS, क्लोरीन पर नेगेटिव आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, क्लियर है यहाँ तक की बात। अर्थात इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, अर्थात इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। इसके अलावा कार्बोकैटायन एक जगह और बना था, जब मार्कोनिकोव का नियम लगा था, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन बनता है। SN1 अभिक्रियाओं में भी मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, क्लियर है यहां तक की बात। अब क्या होगा, अगले पद में
CH3 CH2 पॉजिटिव किससे अभिक्रिया कर लेगा, इस OH नेगेटिव से अभिक्रिया करेगा और नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़कर क्या बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ध्यान से सुनना, SN1 अभिक्रियाओं में वेग निर्धारक पद में या धीमे पद में कितने अणु भाग लेते हैं, एक अणु भाग लेता है। ये अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, दो पदों में संपन्न होती है। इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्बो कैटायन का निर्माण होता है। एक चीज और सिखाता हूँ, देखो इसी रिएक्शन को देखो, ये कार्बन एक्स पहले स्टेप में यहां से क्या निकला, एक्स माइनस निकला और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, कार्बो कैटायन हो गया। इस कार्बन पॉजिटिव पर किसने हमला किया, आक्रमण किया, नाभिक स्नेही ने, और नाभिक स्नेही ने इससे जुड़ के उत्पाद का निर्माण कर लिया। कर लिया यहां तक की बात? देखो यहां से एक्स हट गया और एक्स की जगह आकर कौन जुड़ गया, नाभिक स्नेही। क्लियर है यहां तक की बात? देखो इन अब SN1 अभिक्रियाओं में विन्यास का प्रतिपन नहीं होता। विन्यास का प्रतिपन क्या चीज होती है, देखो जिस तरफ पहले समूह जुड़े हुए थे बाद में भी समूह उसी तरफ जुड़े हो गए, अर्थात विन्यास का प्रतिपन नहीं होता। इन अभिक्रियाओं में उत्पाद के रूप में नाम पढ़ा होगा आपने 12th क्लास में, इन अभिक्रियाओं में उत्पाद के रूप में रेशमिक मिश्रण का निर्माण होता है। क्या होती है रेशमिक मिश्रण, क्या होता है, दस परसेंट ध्रुवण घूर्णक यौगिकों का वह मिश्रण। बेटा अगर पेपर में ऐसे लिख के आऊंगा रेशमिक मिश्रण, यहाँ 50% डी 50% एलो, तो नंबर 50% ही दिए होंगे, वो पूरा विश्वास है यार बात का। ठीक है, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, परिभाषा सही तरीके से सुनाया करो और सही तरीके से याद किया करो, वरना पेपर में फिर कह रहा हूँ मत घुमाया करो बेटा, मत घुमाओ, अनुभव है बहुत बढ़िया। सास भी कभी बहू थी, डायरेक्ट बहू बन गई क्या सास, सास डायरेक्ट थोड़ी बना जाता है, पहले कार्य ज्ञान आता है पढ़ता है उसे, बहू फिर बहू बाद में बनती है सास। तो बेटा पहले टीचर स्टूडेंट ही था, वही बैठा था, सब वही काम कर रहा था, वही सब पता है उसे। ध्यान से सुनो मेरी बातों को, ध्रुवण घूर्णक यौगिकों का ऐसा मिश्रण जिसमें 50% स्मॉल डी रूप और 50% स्मॉल एल रूप पाया जाता है, ध्रुवण घूर्णक यौगिकों का ऐसा मिश्रण ही रेशमिक मिश्रण कहलाता है। रेशमिक मिश्रण में आंतरिक प्रतिकार की या बाहरी प्रतिकार की, बाहरी प्रतिकार की घटना पाई जाती है, अर्थात एक रूप के प्रकाशीय गुण दूसरे रूप के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। मीजो रूप आपने पढ़े होंगे वहां पर, और मीजो में भी एग्जाम्पल था 12th क्लास में, टार्ट्रिक एसिड, मीजो टार्ट्रिक एसिड में पाया जाता है आंतरिक प्रतिकार। ठीक है, सुनो 12th क्लास करिए जोरदार। ये हो गई कौन सी अभिक्रियाएं, SN1 अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ बेटा, पढ़ाई करने का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, कोई प्रतिस्थापन नहीं है, आपको योगात्मक अभिक्रिया ही देनी है, आपको असंतृप्तता से संतृप्तता की ओर जाना है। बहुत असंतृप्त हो तुम, और तुम पता नहीं कौन से फील्ड में असंतृप्त हो। देखो इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्बो कैटायन का निर्माण होता है, अतः विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम वही होता है जो कार्बो कैटायनों के स्थायित्व का होता है, वही 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मेथिल हैलाइड। ये तो वही आपकी SN1 अभिक्रियाएं हैं। अब बात करते हैं अपनी SN2 अभिक्रियाएं। SN2 अभिक्रिया देखो सुनना, अंतर कई बार पेपर में एक नंबर में या 1.5 नंबर में अंतर लिखवा लेता है, SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर, तो मैं अंतर बताता चल रहा हूँ। SN2 अभिक्रियाओं में सुनो, SN2 अभिक्रियाओं में वेग निर्धारक पद या धीमे पद में कितने अणु भाग लेते हैं, दो अणु भाग लेते हैं, और ये अभिक्रियाएं एक पद में पूर्ण होती हैं, जहां एक है वहां दो है, जहां दो है वहां एक है। एक अणु भाग ले रहा था तो कितने पद में, दो पद में, दो अणु भाग लेंगे तो एक पद में। इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। देखो एक तो होगा मेरा नाभिक स्नेही और एक मेरा ये रहा वही एल्किल हैलाइड। कैसी स्टेप होगी, स्लो स्टेप और RDS। ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक स्टार्ट करेगा और ये आगे से टूटना शुरू करेगा, तो संक्रमण अवस्था इसमें मध्यवर्ती के रूप में बनती है। सुनना मेरी बात, संक्रमण अवस्था उच्च ऊर्जा युक्त तो वह अवस्था है। संक्रमण अवस्था को पूछता है एक नंबर में कई बार, ये सारी परिभाषाएं जो बातें हम बोल रहा हूँ ना, ये सब बातें एक डेढ़ नंबर में पूछता है, और अगर कई बार एक साथ पूछता है तो 6 नंबर में पूछ लेता है। संक्रमण अवस्था उच्च ऊर्जा युक्त तो वह अवस्था है जिसमें बनने वाले बंध न तो पूरी तरह बने होते हैं,
टूटने वाले बंध पूरी तरह से टूटे होते हैं, बनने वाले बंध बनना प्रारंभ कर देते हैं और टूटने वाले बंध टूटना प्रारंभ कर देते हैं। उच्च ऊर्जा युक्त इस अवस्था को ही संक्रमण अवस्था कहते हैं। संक्रमण अवस्था में कार्बन की संयोजकता लगभग, शब्द यूज कर रहा हूं मैं, कार्बन की संयोजकता लगभग 5 होती है। वैसे तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, पर यहां पर कार्बन की संयोजकता लगभग 5। देखो कैसे कार्बन, ये तो 3 ऐसे कैसे जुड़े हुए हैं, इसने टूटना स्टार्ट कर दिया भाई। देखो ये से यूं जुड़ा हुआ है और पीछे से कौन जुड़ना प्रारंभ हो रहा है? नाभिक, इसने धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो रहा है। जैसे जैसे ये जुड़ेगा ये क्या हो जाएगा बेटा? टूटना शुरू हो जाएगा, टूटने लग गया यहाँ से बात। तो देखो कार्बन की संयोजकता कितनी दिखाई दे रही है? 5, क्लियर है। अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ से एक्स टूट के निकल जाता है और नाभिक इसने ही आकर जुड़ जाता है, अर्थात SN2 अभिक्रियाओं में विन्यास का प्रतिपन होता है, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। अर्थात जो समूह पहले सीधे राइट साइड थे वो बाद में कहाँ चले जाते हैं? लेफ्ट साइड की तरफ चले जाते। देखो ये वाला इस तरीके से देख लो, इस तरीके से ये वाले समूह अभी कार्बन के कहाँ है? राइट साइड में, लेकिन यहाँ पर कहाँ चले गए? लेफ्ट साइड में। उन अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? SN2 अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार विन्यास के प्रतिपन होने को सर्वप्रथम वाल्डन नामक वैज्ञानिक ने प्रेक्षित किया, इसीलिए इसे वाल्डन प्रतिपन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो सुनो फटाफट से, पेपर में क्वेश्चन आता है कि SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर बताओ। तो SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर बता दोगे? सबसे पहला अंतर क्या बताओगे? SN1 अभिक्रियाओं में वेग निर्धारक पद में स्लो स्टेप में कितने अणु भाग लेते हैं? 1 अणु भाग लेता है। कितने पद में कंप्लीट होती हैं? 2 पद में होती हैं। SN2 में क्या बोलोगे? इन अभिक्रियाओं में वेग निर्धारक पद में या धीमे पद में कितने अणु भाग लेते हैं? 2 अणु भाग लेते हैं। और कितने पदों में पूर्ण होती हैं? 1 पद में, 1 पद में पूर्ण होती हैं। ये तो बीच में तो एक साथ पूरी होती है, बीच का तो तुम्हें समझाने के लिए, वरना इससे सीधा ये बनता है, ठीक है। SN1 अभिक्रियाओं में आंसर देते चलो, SN1 अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, SN2 अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, SN1 अभिक्रियाओं में विन्यास का प्रतिपन नहीं होता अर्थात उत्पाद के रूप में। वेरी गुड बात, वेरी गुड। SN2 अभिक्रियाओं में विन्यास का प्रतिपन हो जाता है अर्थात उत्पाद के रूप में वाल्डन प्रतिपित उत्पाद का निर्माण होता है। समझ में आ गई बात? SN1 अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन बनता है, आता है। विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम वही होता है जो कार्बोकैटायनों के स्थायित्व का होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? SN2 अभिक्रियाओं में विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम इसका उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि दोनों उल्टी चल रही है ना, मेथिल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। SN1 अभिक्रियाएं ध्रुवीय माध्यम में तीव्रता से संपन्न होती हैं, जबकि SN2 अभिक्रियाएं अध्रुवीय माध्यम में तीव्रता से संपन्न होती हैं। बस ये आपसे कई बार SN1 और SN2 में क्या लिखवाता है? अंतर लिखवाता है। अभी अंतर आपको 5-7 पॉइंट जितने भी, ये सब सारे के सारे क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। इसी के साथ आपकी कौन सी अभिक्रियाएं कंप्लीट हुई? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कंप्लीट हुई। ये बात करेंगे अपन 4th यूनिट में, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये बात अपन करेंगे 4th यूनिट में और 5th यूनिट में। SN1 अभिक्रियाओं और SN2 अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना, सांद्रता का, ताप का, विलायक का, मैंने विलायक वाली बात बोली थी ना कि SN1 अभिक्रियाएं ध्रुवीय माध्यम में तीव्रता से संपन्न होती है जबकि SN2 अभिक्रियाएं अध्रुवीय माध्यम। हर एक बात चुन चुन के पढ़ेंगे, समझ में आ गया यहाँ तक? बिल्कुल टेंशन मत लो, पर सब चीज आएंगी। ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो है 4th यूनिट में। समझ में आ गया यहाँ तक? आ जाओ वापस यहीं पे घूम फिर के। ये हो गई SN1 और SN2। और इस एक होती है SNI जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये कौन सी है? SNI। और SNI को बस इतना याद रख लेना, आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी 12th क्लास में, पढ़ी थी डार्जन अभिक्रिया, एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल हैलाइडों का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। तो डार्जन अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है ना वो है SNI, या आई का मतलब है इंटरनल, आंतरिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सेकेंड ईयर में इसको पूरा, ठीक है। तो ये आपका ये पूरा हो गया। अब आपको मैंने कितने प्रकार की अभिक्रियाएं करा दी? 2 प्रकार की करा दी। कौन कौन सी 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हो गई? एक तो हो गई योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक मैंने आपको कौन कौन सी पढ़ाई? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, तीनों पढ़ा दी मैंने। प्रतिस्थापन में मैंने आपको तीनों पढ़ा दी,
ठीक है। अब तीसरी पढ़ते हैं अपन, कौन से प्रकार की विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन। लिख रहे हो सर, लिखो फटाफट। ज्यादा नहीं बची है यूनिट, ज्यादा ज्यादा 2 दिन की है, खत्म। उसके बाद शुरू करेंगे अपन त्रिविमीय समावयवता। सोमवार से क्लास स्टार्ट हुई है, आज सोमवार मतलब 7 और 1 8 दिन, 10 दिन में भी अगर 1 यूनिट होती है तो 5 यूनिटों को पूरा करने में अपन को कितने दिन लगेंगे? 50 दिन लगेंगे बेटा, लगा लो तुम। और जब 50 दिन मुझे लग रहे हैं तो मैं याद कर रहे हैं, 50 दिन ही लगने चाहिए मूर्ख को, 150। घर जाके क्या झाड़ू पोछा करते हो? किसी घर वाले नहीं करवाते, सब कहते हैं पढ़ ले। ठीक है, SN1 और SN2 में अंतर लिखना, अंतर लिख के याद करना कि SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। डेली क्लास लो, पहले दिन से ही कह रहा हूँ, समझो याद करो। चलो ठीक है, आगे बात करें। योगात्मक हो गई, प्रतिस्थापन हो गई, तीसरी कौन सी पढ़ते हैं? विलोपन। अब जिसको योगात्मक याद थी ना, या याद कर लिया होंगे जिसने, उसे अपने आप कौन सी समझ में आ जाएंगी? विलोपन समझ में आ जाएंगी, क्योंकि योगात्मक में तो किसी चीज का क्या हो रहा था? योग हो रहा था, और विलोपन में कोई चीज विलोप हो रही थी। विलोप का मतलब है उसका निकलना। समझ में आ गई बात? तो योगात्मक अभिक्रियाओं की बिल्कुल विपरीत अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? विलोपन अभिक्रियाएं होती हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं, जबकि विलोपन विलोपन अभिक्रियाएं संतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक। देखो कोड, देखो अभी, देखो अभी निकालते हैं। देखो एक्स वाई कैसा यौगिक है? संतृप्त है असंतृप्त? बहुत बढ़िया, सैचुरेटेड कंपाउंड है। कैसे पता चला? सारे बंद सिग्मा बंद है, या फिर यू कह लो इसमें एक भी पाई बंद उपस्थित नहीं है। इस चीज को ध्यान रखो, संतृप्त और असंतृप्त देखना सीख गया। देखो सुनो, सपोज दैट मैंने इसको हीट किया, गर्म किया, और गर्म करने के बाद यहाँ से क्या निकल गया? एक्स वाई निकल गया। तो यहाँ पर क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया, प्लस क्या निकल गया? एक्स वाई। अब ध्यान से सुनते चलना फटाफट से मेरी बात, है ना। विलोपन अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं के एकदम विपरीत अभिक्रियाएं हैं। इन अभिक्रियाओं में संतृप्त यौगिकों से असंतृप्त यौगिकों का निर्माण होता है, अर्थात इन अभिक्रियाओं में सिग्मा बंध टूटकर, और वहां पर क्या था? टोटल कितने सिग्मा बंध हैं? और पाई बंध कितने हैं? 0। 3 और 3 6 और 1 7। टोटल कितने सिग्मा बंध हैं? कुल कितने पाई बंद है? 1 1 2 3 4 5 सिग्मा बंद और पाई 1, अर्थात इन अभिक्रियाओं में 2 सिग्मा बंद टूटकर 1 पाई बंद का निर्माण होता है। इस कार्बन का संकरण क्या है? sp3। 4 सिग्मा है ना, 4 सिग्मा मतलब sp3। इसका संकरण sp2, अर्थात योगात्मक अभिक्रियाओं में संकरण sp2 से sp3 होता है, जबकि विलोपन अभिक्रियाओं में sp3 से sp2 हो जाता है। आकृति चतुष्फलकी से परिवर्तित होकर त्रिकोणीय समतलीय, बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से परिवर्तित होकर 120 डिग्री हो जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? हाँ क्या बात है, योगात्मक याद है तो विलोपन ऑफर में याद है, बिल्कुल अपोजिट याद करके लिख दो, वो कौन सी हो गई? विलोपन अभिक्रिया हो गई। अब विलोपन अभिक्रियाओं के 2 प्रकार है, ठीक है, केवल 2 प्रकार कौन कौन से है? एक तो है एल्कोहलों का एल्कोहलों का निर्जलीकरण, तो कौन सा है? एल्कोहलों का निर्जलीकरण, और दूसरा है एल्किल हैलाइडों का रीहाइड्रोहैलोजनीकरण। ठीक है, तो लाइन लिख लो फटाफट, जैसे शॉर्ट में तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाया करो हर चीज के, जो मैं बोलूं उन चीजों को फटाफट लिखा करो। कितनी बार समझाया है? ठीक है, ये अभिक्रियाएं विलोपन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं, ये अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं।
दो प्रकार की होती हैं, शॉर्ट में लिखो अपनी लैंग्वेज में, दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी हैं? पहला है एल्कोहलों का निर्जलीकरण, एल्कोहल समझते हो ना, चुनाव प्रचार सामग्री, एल्कोहलों का निर्जलीकरण, और दूसरा एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहैलोजनीकरण, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। अब देखो सबसे पहले मैं तुम्हें कौन सा ध्यान से देखना, इसको इंपॉर्टेंट है, एस एन अभिक्रियाओं मध्यवर्ती के रूप में कौन बन रहा था, कार्बोकैटायन, और एस एन टू में संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था निम्न ऊर्जा की अवस्था है और उच्च ऊर्जा की। अच्छा जो बहुत तेजी से भाग रहा है आप उसे पकड़ सकते हो क्या? तो वैज्ञानिकों ने आज तक संक्रमण अवस्था को नहीं देखा है, तुक्का मार दिया है वैज्ञानिक, क्या मध्यवर्ती ढूंढते हैं, अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कोई मध्यवर्ती बना होगा, तो मध्यवर्ती आज तक टोटल सात प्रकार के खोजे गए हैं, सात या आठ मान लो, इसमें छह तुम्हारे सिलेबस में और तीन मैंने पढ़ा दिए हैं। अब वो तीन कौन कौन से, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और मुक्त मूलक। अब रह गए हैं तीन तुम्हारे सिलेबस के, वैसे होते हैं और ज्यादा, तीन हो गए मैडम टाइम, तीन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कार्बीन नाइट्रीन, कार्बीन नाइट्रीन बेंजाइन ये लाइट्स, समझ में आ गया, और एक होता है इनामीन्स। तो आपको तीन और पढ़ने हैं अभी, कार्बीन नाइट्रीन और बेंजाइन, उन तीन पर अपन फोकस करेंगे, उन पर पढ़ेंगे, ठीक है मैडम, बंद करो फिर, ठीक है कल बात करते हैं।